स्वागत है आपका। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक खुशखबरी आपको शेयर करना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग मुंबई को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे, क्योंकि मुंबई से आए हम लोग को एक साल से ऊपर हो गया है, तो किसी से मिलना नहीं, वहाँ फोन पर बातें होती हैं पर किसी से मिलना नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूँ कि मुंबई से एक फ्रेंड आई है मेरी, तो वो अभी वापस मुंबई जा रही है, तो मैं उससे मिलने के लिए स्टेशन जा रही हूँ। तो आप लोगों को भी मिलाती हूँ, कौन आया। मैं खासकर उनसे मिलने को बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरी चार पांच सहेलियाँ हैं, तो उनमें से किसी एक से मिलने का मौका मिल रहा है एक साल के बाद, तो उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मिलने का एक महीने पहले का था, क्योंकि वो एक महीने पहले अपने गांव आई थी गर्मी छुट्टी में। तो उस समय अचानक आपने देखा था अयान का तबीयत ख़राब हो गया था, तो आँख वगैरह में सूजन हो गए थे गर्मी की वजह से। तो जिस दिन वो लोग आई उसके जस्ट एक दिन पहले ही हम लोग गाँव के लिए ट्रेन पकड़ लिए थे, तो उस समय नहीं मिल पाए, तो हम लोग सोचे थे आगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उनके घर में कुछ शादी का फंक्शन था, तो इसलिए उनको थोड़ा दिन रुकना पड़ा। तो हम लोग भी अभी हावड़ा आ चुके हैं और उनका आज हावड़ा से ट्रेन है, तो चलिए इसी वजह से मिलने को जा रहे हैं उनसे। तो फ्रेंड्स हम लोग रेडी हो गए हैं, शाही यहाँ पर दूध का पाउडर खा रही है, तो हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। शाही तैयार हो गई है, अयान भी तैयार है, वो तो बैग लेकर के ही तैयार है कि चलना है हमको, मेरा पर्स भी लेके वो बैठा हुआ है। तो शाही बहुत खुश है, बेस्टी से पूरे एक साल बाद मिलने वाली हूँ, पूरे एक साल बाद मेरी बेस्टी से। हम लोग रेडी हो गए हैं और निकलते हैं, तो ये देखिए कैसा लग रहा है लुक हम सब का, ये मेरा, ये अयान। तो फ्रेंड्स हमें बस नहीं मिली थी, इसीलिए हम लोग टोटो से ही निकल गए, टोटो मिल गया तो। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए स्टेशन, तभी वो लोग आए नहीं, हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं, तभी वो लोग आए नहीं है, आते हैं तो मिलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारी फ्रेंड आ गई है, तो अयान मेरी गोदी में है, मैं ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। शाही अपनी फ्रेंड को देखते के साथ दौड़ गई उससे मिलने के लिए, तो देखिए कैसे जा रही है, और दोनों मिलकर बहुत खुश हो गए, और शाही ने उनको गले भी लगाया, दोनों मिलकर के गले भी लगाए एक दूसरे को। और चलिए मैं भी मिलती हूँ, और आप भी देखिए कितना अच्छा लगा, मतलब देख के ही खुशी हो गई हम लोगों को। तो फ्रेंड देखिए वो लोग आ गए हैं, तो आप पहचाने उन सब में से कौन है, तो चलिए दिखाते हैं। शाही तो भाग रही है, तो मैं ही रिकॉर्डिंग ले रही हूँ, अयान गोदी में है, तो देखिए आपने इनको ब्लॉग में कहीं देखा, शाही जी कैसे भाग के जा रही है उनसे मिलने, अपनी फ्रेंड ये देखिए उसने उसे हग कर लिया, तो दोनों फ्रेंड्स मिलकर बहुत खुश हो गए। तो देखिए मैं भी मिल रही हूँ, तो चलिए देखिए उनसे मिलकर बातें करते हैं। अयान को मिला है कुरकुरे, सबके लिए कुरकुरे मंगाया आंटी ने। अयान बाय दीदी, जा रही है आपकी बेस्टी के साथ, बाय। दीदी चिढ़ा रही है, दीदी चिढ़ा रही है, बाय। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, सिर्फ आंटी और दीदी जा रही है, वो दीदी जा रही है, सुबह से दीदी जा रही है, वो भी नहीं जाएगी। नहीं जा रही दीदी, नहीं जा रही, आंटी को नहीं, कोई नहीं जाएगा, चलो तो सब घर चलो, बाय करो भाई, बाय करो उसको, लो बाय बाय। लास्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ गए, कैसा लग रहा है? अरे वाह, घुमा फिरा के वापस।
बाय कर दो जारी आंटी चल गई बाय बोल दो चलो चल गई एक घंटे रहे हम लोग साथ अयान चलो बाय की मुंबई की फ्रेंड तो काफ़ी इसको दुख हो रहा है अफसोस हो रहा है जाने का और हम लोग को भी अफसोस हो रहा है कि मुंबई छोड़ करके यहाँ आगे का और इसको तो ज़्यादा अफसोस है इसकी फ्रेंड लोग सारी छूट गई है शाही की भी स्टेशन हावड़ा स्टेशन है और कुछ बोलना है अच्छा नहीं लगा सामने से कहीं तो सही है एक साल के बाद मिले तो थोड़ा सा सबका याद आ गया वहाँ से तुमको तो चलिए चलते हम लोग घर हम लोग मुंबई वापस जाएंगे कभी ना कभी सबसे मुलाकात जरूर करेंगे चलो बाय बोल दो ट्रेन भी जा चुकी है चलते हैं चलते हैं मिलते वीडियो में तो दिखाया क्योंकि मुंबई से कोई फर्स्ट टाइम मतलब एक साल के बाद कोई मिलने के लिए आया था तो बहुत अच्छा लगा जाते जाते मतलब एक बार नहीं मिले थे लेकिन जाते जाते मिल लिए उनको भी अच्छा लगा हमको भी अच्छा लगा फिर कब मिलेंगे चलिए चलते हैं बाय 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 कर दो